अरे बेटा, आजा नाश्ता कर ले। हाँ माँ, जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे आज कहाँ जा रही है तू? आज तो संडे है। मेरे को ऑफिस जाना है। ऑफिस? अरे संडे को कौन सा ऑफिस खुलता है? अरे माँ, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, आपको पता है ना, प्राइवेट जॉब है तो इसमें काम ज्यादा है। पहले तो तेरे ऑफिस वाले हर संडे छुट्टी देते थे। माँ पहले मैं नहीं थी इसलिए, अब मेरे ऊपर काम का बहुत लोड आ गया है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, अब जल्दी खा ले और जा, लेट हो चल जाएगी। ठीक है माँ। अरे पर्स रह गया। हाँ हाँ मैं आती हूँ। बहुत जल्दी नहीं आ गई? अरे बस मैं लेट हो गया यार, मैंने बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर मैं क्या बताऊं यार, मैं खुद ही लेट हो गया। कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा, मैंने कहा था तुमसे घर से निकलने से पहले कि जल्दी आ जाना। यार बस बाइक खराब हो गया था। तुम्हारे हर बार के यही बहाने हैं। अरे नहीं, और बताओ। बस ठीक, मुझे तुम कुछ चेंज लग रहे हो। ये तो वही शर्ट है। और तुम इतनी हड़बड़ाई क्यों लग रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? बताओ क्या बात करनी है? अब तो तुम्हारी सुननी पड़ेगी मुझे। क्यों, मेरी क्यों सुननी पड़ेगी? और क्या? सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? बताओ क्या बात करनी है? चेंज हो गई हो तुम। नहीं, मैं कैसे चेंज हो गया? हो गई हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, सच बताओगे ना? यार कमाल है, मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ बताओ ना, कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। सच में? बिल्कुल। तो शादी कब कर रहे हो मुझसे? शादी? हाँ यार मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? यार मैं तुमसे शादी, मैंने तुम्हें कभी बोला ही नहीं शादी के लिए। मैंने कब बोला तुमसे शादी करने के लिए? तो फिर ये सब क्या था? ये सब तो मेरे लिए एक टाइम पास था। ये तुम क्या बोल रहे हो कमल? हाँ मेरे लिए तो सब कुछ टाइम पास था। यार फिर ये बच्चा? बच्चा? हाँ कौन सा बच्चा? तो मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है? थप्पड़ मार के तुम साबित क्या करना चाहती हो? फिर मैं ये मान लूंगा कि ये बच्चा मेरा है? अगर तुम ना माने तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, समझे तुम? चलो ठीक है, ये बात मैं मान लेता हूँ कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन शादी तो मैं तुमसे फिर भी नहीं करने वाला। और मेरी बात सुनो, तुम्हें जो करना है और जहां जाना है तुम जा सकती हो, मैं तुमसे नहीं शादी करने वाला। पंकज, पंकज मेरी बात तो सुनो, पंकज। हेलो। हाँ जी, अब बोल। प्रीति यार, पंकज ने मुझे धोखा दे दिया यार। क्या, ये क्या बात कर रही है तू? हाँ यार मैं प्रेग्नेंट हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देख जिया, गलती तो तूने की है, अब तू देख तू इस गलती से कैसे निपटती है। मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, और हाँ मैं नहीं चाहती ये बात मेरे घर तक पहुंचे, वरना मेरे घर वाले मुझे जान से मारेंगे, समझ गई? प्रीति, प्रीति।
आ गई बेटा? हाँ मम्मी। क्या बात हो गई? बस ऑफिस में काम ज्यादा था तो थक गई। कोई और बात तो नहीं है बेटा? चल आराम कर ले, मैं खाना बना के लाती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? पहले कुछ उसको खाने को दे देती हूँ। अरे बेटा क्या कर रही है? आजा, खाना रेडी हो गया। जिया, अभी तक तेरे कपड़े नहीं चेंज हुए क्या? आजकल के बच्चे भी सुबह से भूखी होगी पर खाने पीने की कोई परवाह नहीं। देख बेटा, अरे यार कहाँ थी तुम अब तक? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आ गई यार, एक तो ट्रैफिक बहुत था, ऊपर से काम वाली आंटी भी नहीं आई, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। ओहो मेरी जान, कितना काम करती हो। हाँ, जब इतने बड़े शहर में घर से बाहर रहकर काम करना आसान थोड़ी है। हाँ ये तो है। अच्छा छोड़ो सब, एक काम करते हैं, आज हम मूवी देखने चलते हैं। अरे नहीं यार, आज बहुत काम है, फिर कभी चलेंगे। किसका मैसेज है? अरे किसी का नहीं है। अरे दिखा मुझे किसका मैसेज है। यार तुम बात बात पे क्यों शक करते हो? अरे दिखा मुझे किसका मैसेज है। अच्छा कंपनी का मैसेज। यार मैंने कहा था ना किसी का मैसेज नहीं है, मेरी आईडी का पासवर्ड सब कुछ तो तुम्हारे पास है, फिर भी तुम बात बात पे शक करते हो, यहाँ तक मेरी कंपनी का मेल भी तुम्हारे पास आता है। यार आई एम रियली सॉरी यार। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे डर रहता है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं।
तुम्हारा सॉरी वोरी हो गया हो तो मैं जाऊँ अब। यार पर हम तो मूवी देखने जाने वाले थे। नहीं जाना मुझे मूवी होंगे, जा रही हूँ मैं अब। यार प्लीज, यार प्लीज बात तो सुन। यार ये आजकल कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गई? ना मैसेज का रिप्लाई, ना फोन उठाती है। दिया। अरे यार इसको भी अभी फोन करना था। यार एक बार और करता हूं। यार बिजी 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 हद है। यार परेशान होगा, एक बार कॉल कर ही लेती हूँ। हेलो। हेलो बेबी, ऑफिस में बहुत काम है, मैं आपको फ्री होके कॉल करती हूँ। अरे मेरी बा, फिर फोन काट दिया। ये आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं है? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या भाई तेरी गर्लफ्रेंड किसी और की गेला हंडा है? अच्छा चल चल देखेंगे। कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, फोन कर फोन कर। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना इस टाइम में कहाँ होती हूँ? मैं पूछ रहा हूँ ना। घर पे हूँ। फोन काट दिया? कौन था? भाई पंकज का फोन था। फिर तूने झूठ क्यों कहा कि तुम घर पे है? अरे भाई वो मेरी बहुत केयर करता है और मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है? अगर उसको पता लगा ना कि तुम रात को मैं घर से बाहर हूँ तो बहुत गुस्सा करेगा और नाराज हो जाएगा। तो तूने पंकज को बता दिया कि तूने घर बात कर ली शादी के लिए और घर वाले मान गए? अरे नहीं भाई अभी नहीं बताया। पता है पंकज का बर्थडे है तो मैं उसको सरप्राइज दूं। सरप्राइज तो तूने मुझे दे दिया जिया। पंकज तुम यहाँ? हाँ क्यों, मुझे यहाँ देख के शोक लग रहा है? ये कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना सही कर रहा हूँ। तुम यहाँ अपने यार के साथ घूम रही हो और मुझे बोल रही हो कि तुम घर हो? पंकज तुम्हें गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई नहीं, गलत फहमी आज मेरी दूर हुई है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मेरे दोस्त ने मुझे बताया नहीं होता तो तुम्हारा ये असली चेहरा कभी मेरे सामने नहीं आता। पंकज तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। नहीं मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम एक करेक्टरलेस लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऊंची आवाज में बात करने की? बहन? हाँ ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूँ। मैं तुम्हारी शादी के लिए इधर तुमसे मिलने आया था। भैया चुप कर, और अब मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगा। तू चुप कर, अगर तूने पहले रोका होता ना तो इसकी हिम्मत नहीं होती तुमसे ऊंची आवाज में बात करने की, और तू अभी मेरे साथ घर चल रही है। पर भैया मेरी बात तो सुनो जिया। जिया जिया जिया।